समस्तीपुर के रोसड़ा थाने के एक गांव में 12 दिन पहले नाबालिग दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया था। इस शर्मनाक कांड को अंजाम देने वाले दरिंदे राजा सिंह को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। अब पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आरजेडी ने पहल की है। आरजेडी के 11 सदस्यीय टीम ने रेप पीड़िता के परिजनों से मिलकर न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उजियारपुर विधायक आलोक कुमार मेहता की अगुवाई में आरजेडी के नेताओं ने पीड़ित परिवार के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मेहता ने बताया कि प्रशासन खामोशी से बैठा हुआ है और दरिंदों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खेदजनक है और जो घटना घटी है बहुत शर्मनाक है। सरकार का फेल्योर है, व्यवस्था का फेल्योर है, प्रशासनिक व्यवस्था मूक बधिर बन के बैठी हुई है और पूरा समाज आज 90 के दशक से पहले वाली स्थिति में पहुंच चुका है और इस बात के लिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती पर ऐसी स्थिति देखकर हमें शर्मा रहे हैं। आपके द्वारा क्या आश्वासन मिला है? हमने यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से बात की है। अब हमने कहा है कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और दहशत फैला रहे हैं, पीड़िता के परिवार को धमकी दे रहे हैं या जो गवाह वगैरह के बारे में, तो हमें उम्मीद है कि यहाँ के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इसको संज्ञान में लेंगे, नहीं तो पार्टी की तरफ से यह टीम आई है उसके आगे कार्रवाई। वहीं आरजेडी प्रवक्ता एजिया यादव ने कहा कि आरोपी को प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। आरोपी की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रशासन इसे संरक्षण दे रहा है, क्योंकि सत्ता वाले लोग प्रशासन को कहे हुए हैं कि उन दबंग को जो इस दर्दनाक घटना के जिनके वजह से ये दर्दनाक घटना हुई है उनको संरक्षण दिया जाए। अगर प्रशासन चाह जाए और सरकार चाह जाए तब गिरफ्तारी कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 घंटे में गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन ही संरक्षण दे रहा है तो गिरफ्तारी कहां से हो पाएगी। वहीं आरजेडी के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने बताया कि पीड़ित परिवार को डराया और धमकाया जा रहा है। शाहीन ने कहा कि सरकार और प्रशासन की लापरवाही की वजह से आरोपी पर कार्रवाई नहीं हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, पुलिस का निकम्मापन है, सरकार की निपुंसकता है कि बलात्कार जैसी घटना वो भी दलित गरीब के साथ होता है। आज 15 दिन गुजर गया, अभी तक न SP यहाँ नजर आ रहे हैं, न DSP नजर आ रहे हैं, न यहाँ के विधायक सांसद नजर आ रहे हैं, कोई न्याय दिलाने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता है। जिस सरकार में, जिस प्रशासन के देख रेख में एक गरीब को न्याय नहीं मिल सके, और ये यहाँ तक केस उठाने की बात हो रही थी, डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा है लगातार, और कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई कुर्की जब्ती नहीं। इतने संवेदनशील मामला, बच्ची कोई भी होती है तो सरकार के समझिए एक तरह से ये मुख्यमंत्री की बेटी थी, जो प्रधानमंत्री की ये बेटी थी, क्योंकि कोई भी जो राजा होता है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रजाओं के पुत्र पुत्री समान होता है। आज इस तरह की घटना घटी और कोई बयान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, तो बहुत ही अफसोस की बात है। ये घटना नहीं है, विभूतिपुर में भी ऐसी घटना, बलात्कार की घटना घटी, रोज हत्या वगैरह बहुत घन जघन अपराध हो रहा है। पता नहीं पुलिस कहाँ सोई है, प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रहा है। इन लोग को ऊपर भाजपा जदयू के लोग को लड़ने से फुर्सत नहीं है और यहाँ जनता पिस रहा है, जनता मर रहा है, जनता कट रहा है, जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, और ये लोग ऊपर में बैठ करके कुर्सी बचाने में कह रहे हैं। भाजपा चाहती है नीतीश कुमार का कुर्सी छीने, नीतीश कुमार चाहते हैं मेरा कुर्सी बचा रहे। इन लोगों को आपस की लड़ाई में पूरी जनता। वहीं आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने कहा कि बिहार में सुशासन नाम की कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई है। बिहार में जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी सुशासन का ढोल पीटते हैं, आज रोसड़ा में तार तार होगा। एक बच्ची जिसको बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है सरकार, और उस प्रकार किस प्रकार से इसका चीरहरण होता है। निश्चित रूप से आज गरीब गुरबों का सरकार होता, लालू प्रसाद यादव जी का सरकार होता, तो इन दबंगों को हिम्मत नहीं होता कि उसको छूने का काम होता। तो नीतीश कुमार जी का कैसा सुशासन है, हम इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि इस पुलिस को जल्द से जल्द दरिंदे राजा सिंह को गिरफ्तार करना चाहिए और उसे ऐसी सजा दिलानी चाहिए जो दूसरों के लिए एक नजीर बन जाए। पंजाब केसरी TV के लिए समस्तीपुर से राजकिशोर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।